हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे ECN कॉन्टिनेंटल कप T20 का जो फर्स्ट मैच खेला जाएगा उस मैच के बारे में। तो ये मैच खेला जाएगा आपके माल्टा और रोमानिया ए के बीच में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में, दोस्तों उसके बारे में ही आपको बताएंगे डिटेल्स में। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो आप मिस कर जाओगे। तो स्किप मत करना, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप एक तरफा हर एक कॉन्टेस्ट क्लीन स्वीप कर पाओ इस मैच में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार आपको हमारे जो यूज़र्स हैं ना वो कितना विन कर रहे हैं वो चलिए एक बार आपको दिखा दे ताकि आपको पता चले ना हमारे जो यूज़र्स हैं वो कितना विन कर रहे हैं रोज़ाना। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। चलिए आपको दिखाते हैं जिन लोगों ने, जिन यूज़र्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, उन लोगों ने कितना विन किया, कितना उनकी विनिंग्स है आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए क्या लिखते हैं। सुमित ने लिखा, क्या लिखा भाई, आपकी टीम से मैंने 55,000 जीत गया, थैंक यू। इन्होंने 55,000 विन किया, क्यों किया, क्योंकि ये हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं प्लस इन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है दोस्तों। गोडविल गेमिंग लिखते हैं, आपके जैसा एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने वाला कोई नहीं है सर, आपके वीडियोज़ में पूरा देखता हूँ, स्किप नहीं करता हूँ, आपके वीडियोज़ में रोज़ देखता हूँ, स्किप नहीं करता हूँ, मैं 290,000 जीत गया सर। वाह क्या विनिंग है दोस्तों, 290,000 दोस्तों एक ही दिन में इन्होंने विन कर लिया, क्यों किया, इन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए जीता। इन्होंने लिखा मैंने कल मिनी ग्रैंड लीग क्लीन स्वीप किया सर, 200,000 तक विनिंग कर लिया मैंने, इन्होंने भी 200,000 विन कर लिया। अजय कुमार लिखते ओसम सर, मैंने 100,000 विन किया IPL में आपकी टीम से, देखिए इन्होंने 100,000 विन किया दोस्तों, 200,000 विन करे, 290,000, इन्हें 155,000, तो देखिए कितनी ज़्यादा विनिंग्स कर रहे हमारे मेंबर्स, हमारे यूजर्स दोस्तों। वाह मज़ा आ गया, आपके टेलीग्राम वाली टीम से 19,000 जीत गया, देखो वो लोग, देखिए इन्होंने 19,000 जीत गया, क्यों जीता इन्होंने 19,000, क्योंकि ये हमारे टेलीग्राम से जुड़े थे ना दोस्तों, इसलिए इन्होंने 19,000 रुपये जीता। अगर ये टेलीग्राम से नहीं जुड़ते वो नहीं जीत पाते, क्योंकि टेलीग्राम पर ही हमारी टीम आती है, टेलीग्राम टीम से इन्होंने खेला और जीत गए। यहाँ पर इन्होंने लिखा मैं रोज़ 10,000 से 15,000 जीतता हूँ, देखिए ये रोज़ हमारे टीम टेलीग्राम वाले टीम से खेलते और 10,000 से 15,000 जीतते, आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको तसल्ली ना हो देख लीजिए, इन्होंने खुद लिखा है, हमारे यूजर्स ने खुद लिखा है ये। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको हमारी यूजर्स की विनिंग्स दिख जाएंगे। तो आप बोलेंगे इतनी तगड़ी टीम कहाँ मिलती है, इतनी तगड़ी टीम मिलती है आपको टेलीग्राम पर दोस्तों, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, ये जो है ना, ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो पहला जो लिंक है ना दोस्तों, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप हमारी कोई भी वीडियो उठा ले, डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक मिलेगा वही हमारे टेलीग्राम का लिंक होगा, इस लिंक पर आपको टैप करना है, आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पे जो कि है ये UDCRA10 इस पर डायरेक्टली लेके आएगा। आपको यहाँ पर ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको यहाँ पर ज्वाइन का बटन दिखेगा, ठीक इस जगह पर जहाँ मैं सर्कल बना रहा हूँ, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है ताकि आपको रोज़ाना हर एक वीडियोज़ की अपडेट्स, हर एक टीम फाइनल टीम देखिए फाइनल टीम इसी तरह आपको मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ना ठीक इस जगह पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा आपको, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा इस पर टैप करके आपको सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है, नहीं तो आपको हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स कैसे मिलेगी, वीडियोज़ के अपडेट्स नहीं मिलेगी आपको। और एक लाइक ज़रूर कर देना है वीडियो को शुरू करने से पहले, एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब तो मस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अभी बात करते हैं मैच, इन सब की तरह आपको भी एक तरफा क्लीन स्वीप करना है हर एक कॉन्टेस्ट, तो आपको क्या करना है, आपको तो कुछ बातों को ध्यान से देख सुनना है और समझना है।
कौन से वो बातें? पहले तो आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सेकेंडली, आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है दोस्तों। टेलीग्राम पर ही आपको हमारी फाइनल टीम मिलेगी, फाइनल अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन हो जाना, नहीं तो आपको हमारे अपडेट्स और नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी। चलिए बात करते हैं अभी इस मैच की। पहले तो मैच पर चलेंगे, उसके बाद क्रिएट टीम पर जाएंगे और फिल्टर लगाएंगे हम माल्टा की टीम के ऊपर। तो एक बार इनका पिछला मैच चेक कर लेते दोस्तों, माल्टा का पिछला मैच। तो ये आ गए हम। थोड़ा स्टैट्स के बारे में जान लेते हैं ना दोस्तों, किस प्लेयर्स को हम को कब लेना है अपनी टीम में। पहले तो विकेट कीपिंग की बात करते हैं। माल्टा की तरफ से आपको खेलते हुए दिख जाएंगे यहाँ से डी पटनागर, सी सुदर्शन की बात करिए, ये खेलेंगे नहीं दोस्तों। अगर ये खेलेंगे तो हम इनके बारे में ज़रूर सोचेंगे। सी सुदर्शन खेलेंगे विकेट कीपर में से। बैटिंग में से आपको खेलते हुए दिख जाएंगे कौन, यहाँ से आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, यहाँ से तो डी पटनागर खेलेंगे, बाकी दोनों खेलेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ से आपको जैड खान खेलते दिख जाएंगे, जैड खान खेलेंगे जयसिंह और स्ट्रेंथुलस दोस्तों। जैड खान, जयसिंह और स्ट्रेंथुलस, ये तीन आपको खेलते हुए दिख जाएंगे बैटिंग सेक्शन में से। उसके बाद अगर बॉलिंग में आते हैं, बॉलिंग में आपको खेलते हुए दिख जाएंगे अब्बास और ई मैथ्यू, दोनों को आपको अपने टीम में ज़रूर रखना है। फिर आते ऑलराउंडर्स की बात करें, सबसे बढ़िया प्लेयर्स जो ऑलराउंडर में आते हैं वो है डब्ल्यू अहमद आतिब। सिलेक्शन परसेंटेज इतना कम है ना, मतलब क्या ही बोले, इतने अच्छे प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। इनको आपको लेना है यहाँ से एफ मुगल और बी अरोरा, तीनों को अपने टीम में ज़रूर रखना है, और बी प्रशांत दोस्तों। तो यहाँ से हम ले लेंगे पहले तो बी अफरीदी, इन ये मेरे टीम के कैप्टन होंगे दोस्तों, याद रखना, पक्का खेलेंगे और मेरे टीम के कैप्टन। सिर्फ 4% सिलेक्शन है, इतना बढ़िया प्लेयर 4% सिलेक्शन है। ट्रम्प कार्ड के लिए, ट्रम्प कार्ड के भी ट्रम्प कार्ड है ये दोस्तों, प्लस ये कैप्टन होंगे मेरे टीम में, याद रखना। उसके बाद यहाँ से मेरे टीम में होंगे आपके एफ मुगल दोस्तों, कहा है ये मेरे टीम में होंगे, बी अरोरा मेरे टीम में ज़रूर होंगे। बैटिंग से मैं जैड खान के साथ जाऊँगा, एस स्ट्रेंथिस के साथ जाऊँगा जैसे कि मैंने बोला था। फिर यहाँ से शायद मैं अभी के लिए एक काम करते, अभी के लिए यहाँ से आमिर के साथ जाते, जय सिंह को अभी के लिए मैच के लिए ड्रॉप करते, शायद मैं इनको ले लूँ अपनी टीम में टॉस होने के बाद। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना जब टीम बनाया दोस्तों। पर बाकी मेरे टीम से खेलना है तो आपको हमारे टेलीग्राम से तो जुड़ जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं डब्ल्यू अब्बास के साथ जाऊँगा। तो ये सात प्लेयर्स यहाँ से इम्पोर्टेंट बन गए। कौन? एक तो हो गए हमारे जैड खान, आयामी, स्टेंतुलस, मुगल, अरोरा, अब्बास अफरीदी और डब्ल्यू अब्बास दोस्तों। तो उसके बाद हम फिल्टर लगाएंगे आपके रोमानिया की टीम के ऊपर। यहाँ से आपको वाई अली खेलते हुए दिख जाएंगे, आपको इनको डायरेक्टली अपने टीम में रख लेना है। यासिर अली दोस्तों, यासिर अली है ना, हाँ दोस्तों, आपको डायरेक्टली टीम में रखना है। यहाँ से आपको सबसे बढ़िया जो प्लेयर दिख जाएंगे वो है शेखरा सी फर्नांडो, टी उल हसन की बात करें आप इनको ज़रूर ले सकते हो। यहाँ से के रानातुंगा को आप ज़रूर ले सकते हो अपने टीम में। बॉलिंग बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट देते दिख जाएंगे। यहाँ से आपके एच अली, हैदर अली और आर हसन को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। यहाँ से जैक कटका की बात करें ना, आपके लिए सबसे बढ़िया चॉइस बन जाएंगे जैक कटका। यहाँ से मेरे टीम में हैदर अली और हसन ज़रूर होंगे, कटका के साथ जरूर जाऊँगा। उसके बाद हम बोथ पर फिल्टर लगाएंगे और ऐसे आमिर को छोड़ के ना मैं राजा शेखर को लूँगा। तो ये कुछ बन गई हमारी टीम। तो आप एक बार टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, मैंने यासिर अली को लिया है, यहाँ से हुए जैड खान, राजा शेखर, स्टेंतुलस, मुगल, आर हसन, अरोरा, हैदर अली, फिर डब्ल्यू अहमद अफरीदी, फिर कड़का और अब्बास दोस्तों। तो ये 11 प्लेयर्स मेरे टीम में आ चुके हैं। तो आप बोलेंगे कैप्टन कौन होंगे, मेरे कैप्टन डब्ल्यू अब्बास अफरीदी होंगे दोस्तों, पक्का। वाइस कैप्टन मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, मैं वाइस कैप्टन सोच रहा हूँ एफ मुगल को बना दूँ ये दोस्तों, ये इनको मैं वाइस कैप्टन शायद बना दूंगा। तो अभी के लिए ये टीम सेव करते हैं, एफ मुगल मेरा वाइस कैप्टन, डब्ल्यू वकास अफरीदी। ये देखिए सिर्फ 0.77%, जो लोग इनको कैप्टन बनाएंगे ना वही जीतेंगे दोस्तों ग्रैंड लीग, याद रखना। अगर ये खेलते हैं और मैं कैप्टन ना दूँ टेलीग्राम पर,
समझ लेना यही मेरे कैप्टन है, आप उसके अकॉर्डिंग इनको कैप्टन ज़रूर बना देना। मैं शायद वाइस कैप्टन दूंगा, मैं शायद कैप्टन दूंगा नहीं अपने टेलीग्राम पर, तो यही मेरी फिक्स कैप्टन रहेंगे, याद रखना। बाकी जो भी अपडेट हो आपको मैं तो टेलीग्राम पर अपडेट कर ही दूंगा, बोल ही दूंगा टॉस होने के बाद। बाकी अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। बाकी अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।